हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा, कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आप मूव देख सकते हो, जिसमें आप पैसे बना सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, एनालाइज ब्लू में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिल जाते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देते हैं। सबसे पहले आज हमने लाइव में क्या ट्रेड्स लिए, कल मैंने जो वीडियो बनाया था पोस्ट मार्केट वीडियो उसके उस पर हमने क्या कुछ दिया था सब कुछ आपको बता दूंगा। आज 6 तारीख का ये डाटा है, हमने बैंक निफ्टी में 1, 2, 3, 4 बार ट्रेड किया है। 4 बार में एक बार हमारा 220 पॉइंट मिला है, एक बार हमें स्टॉप लॉस हुआ है 50 पॉइंट का, और एक बार स्टॉप लॉस हुआ है 70 पॉइंट का, और एक बार हमें 250 पॉइंट मिले हैं। कुल मिला जुला काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा। निफ्टी में हमने 2 ट्रेड लिए और दोनों में हमें 90 पॉइंट्स मिले हैं जो कि बहुत अच्छा रहा। बात करेंगे अगर स्टॉक्स की तो स्टॉक्स में हमने ट्रेड किया आज TCS एंड रिलायंस एंड भारती एयरटेल। TCS एंड रिलायंस को मैंने कल भी पोस्ट मार्केट वीडियो में बताया था, आप लोगों को पता होगा 2400 के बिलो मैंने सेल करने को बोला था, काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग आया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 20 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, बट यहाँ पे एक्चुअल में हमें अप्रॉक्स 40 पॉइंट रिलायंस में मिला। TCS में भी हमें बहुत बड़ा पॉइंट मिला, यहाँ पे मैंने 25 लिखा है, एक्चुअल में ये 3606 से 2030 तक आ गया था, 70 पॉइंट के राउंड इसमें मिले हैं। भारतीय एयरटेल में भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ अप्रॉक्स 5 पॉइंट का, जो कि काफ़ी बढ़िया रहा, राइट। अभी कल मार्केट कैसा रहेगा बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी लेवल्स जो भी लगे हैं सब कुछ रिमूव कर देता हूं, बिल्कुल फ्रेश एनालिसिस करेंगे। यहां पे मूविंग एवरेज है, इसको भी बंद कर देते हैं, मार्केट चार्ट एकदम पूरा क्लीन होगा हमारे पास, और वन डे का टाइम फ्रेम लगाऊंगा। वन डे का टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ देख पाओगे कि मार्केट ने ऊपर जाने के लिए ट्राई किया है, राइट, और मार्केट यहां पे गिरा है, अगेन यहां पे नीचे आते हुए दिख रहा है। ये लेवल हमारे पास है और सेम जैसे कि मार्केट यहाँ पे लास्ट बनाया था, राइट, सेम उसी तरह से मार्केट गिर रहा है। अगर आप देखोगे ये वाला सिनेरियो और ये वाला सिनेरियो तकरीबन सेम है। अभी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के आसपास में ये लो का लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन कर रहा है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकेगा, जो कि अप्रॉक्स 35,500 का लेवल नज़र आ रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी देखिए अच्छा खासा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बनाया है ऊपर की लेवल से। अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा डबल टॉप लगाया एंड डबल टॉप लगा के मार्केट फॉल किया, मार्केट लगातार यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के मार्केट गिरा है। यहाँ पे ऊपर जाने की निकलने की कोशिश किया है लेकिन फिर से फॉल किया और यहाँ पे एक कंसोलिडेट करके मार्केट अच्छा खासा फॉल लेके आया है। हमारे पास सेलिंग का ही सिनेरियो रहेगा, बाइंग में बिल्कुल भी अभी मूड नहीं बन रहा है और प्लान भी नहीं बन रहा है। बाइंग अगर आना है इसमें तो कम से कम 36,000 के अबव हम प्लान करेंगे, 36,220 के अबव, राइट, 220 के अबव हम बाइंग प्लान करेंगे, उससे पहले हमारा कोई भी बाइंग की प्लानिंग नहीं रहेगी। हाँ, सेलिंग हम कल कर सकते हैं, कल अगर हम बात करें तो एक बार अगर 35,670 का लेवल अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम ये वाले टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और अगर इसके भी नीचे 35,500 के नीचे अगर निकल जाता है तो एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल जाएगा। प्लानिंग सेलिंग की रहेगी, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर गैप अप खुलता है, यहाँ से कहीं से भी छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सिर्फ सेलिंग का ही प्लानिंग रहेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर ना टिक जाए कोशिश करेंगे कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है लंबे टाइम फ्रेम में, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मैं कल भी यही बात बताते स्टे करेगा, हॉल्टेगा, जब तक टिक नहीं रहा है 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा या फिर पूरा हाफ सेशन पूरे दिन का, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक बेस क्रिएट करेगा, वो सारा दिन मॉर्निंग से लेकर, मॉर्निंग में वोलेटाइल नहीं होगा, मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक सेकेंड हाफ तक एक रेंज में रहेगा, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा ना तो ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा। तो इस तरह से अगर मार्केट कुछ बना रहा है तो हम ट्राई करेंगे बाइंग का, नहीं तो अभी तो कंटिन्यूस सेलिंग में ही चलते रहेंगे। निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी में भी एक अच्छा खासा सेलिंग है, जाते जाते भी हमने सेलिंग का एक प्लान किया था, छोटा सा टारगेट हमें दिया है 930 के बिलो सेल किया था और नीचे 900 896 के आसपास आ गया था। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे सब कुछ रिमूव कर दूंगा, वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे रिमूव ऑल ड्राइंग्स, और वन डे के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा सेलिंग निफ्टी ने भी दिखा दिया है, दो दिन में ही बहुत अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पे दिख गया है, और हमारे पास जो लास्ट डे का लेवल था वो भी ब्रेकडाउन होता हुआ दिख गया है। मतलब निफ्टी ज़्यादा टूटा है मुकाबले बैंक निफ्टी के, ये लेवल था, ये लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, जो टारगेट बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है अप्रॉक्स 780 का, 780 के अराउंड का हमारा टारगेट सेल साइड में बन रहा है।
बाइंग हम कहाँ पे प्लान करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। देखिए शार्प सेलिंग आज देखने को मिला है, वन साइडेड मार्केट हमें देखने को मिला है पूरा का पूरा। अगर ऊपर के लेवल से अगर देखेंगे लगातार गिरावट आया है। अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो कम से कम मार्केट को 17,150 के ऊपर टिकना होगा, 150 के ऊपर कंसोलिडेट करना पड़ेगा मार्केट कम से कम, नहीं तो 15 से 20 मिनट, और फिर मार्केट ऊपर निकलेगा। अगर एकदम से गैप अप खुल जाता है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे, और सीधा कैंडल ऐसे ऊपर ले जाता है तो भाई फिर से यहाँ से कहीं से सेलिंग फिर से आ जाएगा इसमें। अगर इसको टिकना है तो ऊपर के लेवल्स पर टिकना पड़ेगा। सेलिंग हम कहाँ से प्लान करेंगे, मार्केट खुलते ही, अगर यहाँ पे कहीं खुल रहा है तो खुलते ही सेलिंग आ जाएगा। अगर मार्केट 900 के बिलो या 900 के आसपास कहीं पे भी खुल रहा है, 16900 के आसपास खुलते ही सेलिंग आएगा, ये हमारा सिनेरियो रहेगा। और अगर कहीं गैप अप खुल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, तो एक हमें रेजिस्टेंस जोन देख के, जैसे अगर यहाँ पे बीच में खुला है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, एक रेजिस्टेंस जोन देख के हमें सेलिंग करना पड़ेगा। तो सेल ऑन राइस का ही सिनेरियो बनेगा मार्केट में। कुछ स्टॉक्स हमारे पास है, आज हम लेंगे टाटा स्टील को। टाटा स्टील अगर कल 1100 के बिलो निकल रहा है तो हमारा टारगेट 1071 रुपीज़ का होगा, बहुत अच्छा खासा सेलिंग हमें देखने को मिलेगा। और बाइंग अगर करना है हमें 1131 रुपीज़ के ऊपर हम बाइंग करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास भारती एयरटेल होगा, बहुत बढ़िया आज गिरावट, बहुत शानदार गिरावट, और ये गिरावट कंटिन्यू कल रह सकता है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मार्केट जहाँ पे स्टे कर रहा था वो लेवल वो निकाल लिया है, अभी मार्केट फॉल किया है। अगर मार्केट कल 700 के बिलो सस्टेन करता है तो मार्केट में एक फ्रेश सेलिंग आएगी, और जो टारगेट होगा वो बड़े आराम से 682 के आसपास का हो सकता है। तो भारतीय एयरटेल में कल हमारे पास सेलिंग का ही सिनेरियो है, 700 के बिलो अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो हम बिल्कुल सेल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाटा पावर है, टाटा पावर में मैं सारा कुछ रिमूव करूंगा और आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ दिखाना चाहूँगा। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आया हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखिए टाटा पावर ने क्या किया, मार्केट ऊपर जाने के लिए ट्राई किया है, मार्केट यहाँ से ऊपर था, मार्केट नीचे आया, प्राइस एक्शन बना के एक नीचे गया, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के लिए ट्राई किया है लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिला है, 3 दिन लगातार मार्केट फॉल हुआ। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन कर ले रहा है तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे ये लेवल मार्क कर रहा हूँ, 214 का लेवल, 214 टारगेट होगा। लेकिन मार्केट अगर इस कैंडल की, जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग अगर निकाल देता है जो कि ये लेवल बनेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आऊँगा, हाँ, जो कि ये लेवल आ रहा है 219 के नीचे, 219 के नीचे अगर मार्केट आ रहा है तो आपका टारगेट 214 का मिल सकता है आपको। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा। हमारा एक बुक है सिर्फ 29 रुपीज़ में हमने लॉन्च किया हुआ है वो बुक को, जहाँ पे 10 गोल्डन रूल्स हमने दिए हुए हैं ट्रेडिंग के, उसको भी आप जरूर परचेज कीजिए, बहुत कुछ आपको वहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।